जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं मेजर ली राइट। देखिए, मालदीव्स का राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू अपने आप को शी जिनपिंग का छोटा भाई समझने लगा और उसको पूरा पूरा कॉन्फिडेंस था चाइना पे कि हम भारत से पंगा लेंगे और भारत कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि पीछे खड़ा है चीन। हम भारत को आंख दिखाएंगे, भारत बोलेगा अच्छा अच्छा अच्छा, आप मालदीव्स हैं, आप तो चाइना का हिस्सा हैं, हम आपके साथ पंगा कैसे ले सकते हैं भाई, हम आपको जवाब कैसे दे सकते हैं। बहुत इंडिया आउट कैंपेन करी, पैसे पकड़े, ये सब बातें हम मेजरली राइट और द चाणक्य डायलॉग्स में, इंग्लिश और हिंदी दोनों में ना, दोनों के वीडियोस में हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। इसने पैसा बाहर भी भेजा, इसने चोरी का, करप्शन का, यू नो ब्राइबरी का बहुत पैसा लिया मोहम्मद मुइज़ू ने, इसकी कैबिनेट ने बहुत मोटे पैसे इन्होंने कमाए। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड? धीरे धीरे इनको ऐसा लगा कि शायद चीन इतना अच्छा दोस्त नहीं है जितना चीन बोलता है। हाँ, पर्सनल बेनिफिट दे सकता है चीन आपको, मोहम्मद मुइज़ू कितना चाहिए, ये लो 50 मिलियन, ये लो 100 मिलियन डॉलर, जाओ ऐश करो। लेकिन मालदीव्स के लिए चीन वो नहीं करेगा। चीन ने इनके 38 टापू हथिया लिए, साइन करवा लिया, 38 टापू ले लिए चीन ने। चीन ने बोला कि ये हमें दे दो, हम इधर अपने अपने होटल बनाएंगे। आपको लगता है चीन को जरूरत है होटल बनाने की, वो भी मालदीव्स में? चीन इतना गया गुजरा है? नहीं, चीन को बेसिस चाहिए थे इंडिया के ऊपर स्पाइंग करने के लिए। अब उन होटल्स में लोग तो आएंगे, बाद में इंडिया के भी लोग आएंगे जब हालात ठीक हो जाएंगे मालदीव्स और भारत के बीच में, लेकिन वहां पे स्टाफ रहेगा चाइनीज, वहां पे कंट्रोल रहेगा चाइनीज का, और उन आइलैंड्स में होटल के बाहर क्या एक्टिविटी होती है, उनको तो जमीन चाहिए ना इंडिया के बगल में, उनको जमीन मिल गई इंडिया के बगल में। अब मोहम्मद मुइज़ू कहता है इतना लोन ले लिया, भैया काम करो, लोन को ना थोड़ा सा आगे बढ़ा दो यार, अभी हमारी इतनी औकात नहीं है कि तुम्हारी किश्त दे दें, क्योंकि तुमने हमें लोन इतना भारी दे रखा, कर्ज इतना भारी दे रखा, उसकी किश्त चुकाने की औकात नहीं है। तो चीन ने बोला कि औकात नहीं है तो बेटा पैसे मांगे क्यों थे तुमने? चाइना ने लोन को रिस्ट्रक्चर करने के लिए मना कर दिया। पहले वालों ने भी लोन लिया दबा के, जो मोहम्मद मुइज़ू के पहले थे, लेकिन मोहम्मद मुइज़ू ने बोला कि लोन आने दो, ये रोक सकता था, ये कह सकता था कि रुक जाओ एक मिनट, हम लोग देख लें, लेट अस सी, हम लोग देख लेते हैं कि मैटर है क्या यार। आपको एक बात पता है दोस्तों, इमरान खान जैसा भी हो, इमरान खान ने कागज मंगवा लिए थे जब वो प्रधानमंत्री बना था पाकिस्तान का 2018 में। सबसे पहला काम इमरान खान ने ये करा कि इमरान खान ने बोला कि बेटा कागज लेकर आओ जरा, तो बोला साहब कौन से कागज, कह रहा सीपैक के कागज। और इमरान खान कभी सीपैक के खिलाफ नहीं था, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, इमरान खान कभी सीपैक के खिलाफ नहीं था, इमरान खान सीपैक के प्रोजेक्ट्स की टर्म्स एंड कंडीशंस के खिलाफ था। ही वॉज नॉट अगेंस्ट सीपैक, इमरान खान कभी सीपैक के खिलाफ नहीं था। इमरान खान को सिर्फ यह था कि यार आपने अगर मुझे कर्ज दिया है और आप उस पर ब्याज ले रहे हैं, मैं आपको इमरान खान के दिमाग की बात बताता हूं, वो क्या सोचता है। उसने चाइनीज से सिर्फ यह बोला कि साहब आपने मुझे इतने इतने अरब डॉलर का कर्ज दिया, जाहिर सी बात है आप इस पर ब्याज ले रहे हैं, आप ब्याज ले रहे हैं ना पाकिस्तान से, पाकिस्तान ब्याज देगा कौन, पाकिस्तान का गरीब आवाम देगा उसका ब्याज? तो अगर पाकिस्तान का गरीब आवाम ब्याज देगा तो क्या उसको जानने का हक है कि नहीं है कि उसको ब्याज कितना देना है, आपने किन शरायत पे वो सारे के सारे लोन लिए हैं? और वहां से इमरान खान की और पाकिस्तान के डीप स्टेट की खटपट शुरू होती है। हाँ, आसिम मुनीर आईएसआई वाला था हेड, उसको इमरान खान ने निकाला, बाजवा का एक्सटेंशन, ये सारी की सारी चीजें हैं यार, ये कोई मना नहीं कर सकता कि ये चीजें नहीं है, ऑफकोर्स ये चीजें हैं, लेकिन जो उसकी शुरुआत थी वही थी कि मुझे कागज दिखाओ। ये काम मोहम्मद मुइज़ू को करना चाहिए था, इसने करा नहीं, इसने बोला आंदो आंदो, तो बड़ी तगड़ी अनाउंसमेंट हुई थी, सब लोगों ने बड़े भंगड़े शंगड़े डाले मालदीव्स में। मालदीव्स में भंगड़ा नहीं करते, जो भी डांस वांस अपना लोकल करते हैं, उन्होंने करा अपना लोकल डांस, बड़े खुश हो गए, खाए पिए सो गए कि अब तो चाइनीज हमारा बड़ा भाई है और चाइनीज आके हमारी चमड़ी निकलने से बचा देगा, हमारी जान बचा देगा। तो जैसे ही चाइनीज ने मना करा कि हम आपका डेट रिस्ट्रक्चर नहीं करेंगे, मोहम्मद मुइज़ू चमक गया, उसने बोला यार जब मैं शी जिनपिंग से मिलने गया था, शी जिनपिंग ने तो मुझे वादा करा था कि नहीं करा था शी जिनपिंग ने वादा कि डेट रिस्ट्रक्चर करेगा? तो चाइनीज एम्बेसडर ने बोला बिल्कुल जनाब, वादा तो करा था। कह रहा फिर वादे क्यों मुकर गया? कह रहा आपने देखा होगा जब शी जिनपिंग ने आपसे वादा करा था तो उसकी आंखें ऐसी थी, देखा आपने, वो बेसिकली आंख मार रहा था, वो सीरियस नहीं था, आप सीरियस ले गए उसकी बात को, ही हैड नो इंटेंशन ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग योर डेट। आ गया मजा? मालदीव्स है, वो हमारा नेबर है, हमारा नियर नेबर है, चाइना का नेबर नहीं है, वो चाइना का नेबर नहीं है।
मालदीव्स के साथ एक अच्छी रिलेशनशिप रखना भारत के हक में है दोस्तों। मालदीव्स के हक में तो है ही, भारत के भी हक में। अभी मालदीव्स को एक नया नया नशा चढ़ा है चाइनीज पैसे का, एक चाइनीज पैसे का नशा चढ़ा है मालदीव्स को। और मालदीव्स ये चाहता है कि किसी तरीके से चाइना को खुश करता रहे, चाइना लंबे लंबे चेक लिखता रहे, और मोहम्मद मुइजू और उसके जो मंत्री हैं करप्ट, उसका एक करप्ट जो एलीट है मालदीव्स में, वो अपना पैसा दुबई सिंगापुर डालता रहे और अपना रिटायरमेंट फंड बनाता रहे। तभी उनका ये गेम प्लान है। लेकिन अगर इस वक्त भारत अपना मुंह मोड़ लेता है मालदीव्स से, अगर भारत ये कहता है कि जाओ हम नहीं करते मदद तुम्हारी, मानिए भारत ये कहता है, फिर क्या होगा? इससे होगा क्या? चलिए कोई बात नहीं, मालदीव्स भारत कहता है कि जी 400 मिलियन लाओ, आप लाओ 400 मिलियन जो हमने आपको दिए, अब आप हमारे साथ गलत कर रहे हो, हम भी आपके साथ गलत करेंगे। इसके नतीजे में क्या होगा कि मालदीव्स कहेगा ठीक है साहब, आप हमें 2-3 महीने का वक्त दीजिए, हम आपके पैसे वापस करते हैं। मालदीव्स जाएगा, बीजिंग के पैर पकड़ेगा। बीजिंग आज की तारीख में मालदीव्स में तो है, लेकिन जब बीजिंग को यह पता लगेगा कि नियरली हाफ अ बिलियन डॉलर्स, लगभग आधा अरब डॉलर जब देना पड़ा बीजिंग को मालदीव्स को कि वो भारत को चुका दे, आपको क्या लगता है बीजिंग क्या करेगा? बीजिंग जो अब नहीं कर रहा है, तब बीजिंग वो करेगा, कहेगा हां ठीक है पैसे ले जाओ, हमारे लिए तो रेस गाड़ी है, चिल्लड़ है, लो 400, 450, 500 जितने भी हैं लो। नेक्स्ट स्टेप, मालदीव्स की चाबी चाइना को पकड़ा दो। दोस्तों यही चीज पाकिस्तान में हुई थी। और अगर भारत यह कर देता है, और भारत अगर नजरें मोड़ देता है मालदीव से और मालदीव की मदद करना बंद कर देता है, तो भारत अपने नेबरहुड में कुछ 100 किलोमीटर दूर भारत एक नया पाकिस्तान खड़ा कर रहा है। क्योंकि फिर होगा क्या? फिर होगा कि आज तो मालदीव की पॉलिसी है उसमें चाइना का इन्फ्लुएंस है, यह बात तय है, यह हमें मानना पड़ेगा कि चाइना का जबरदस्त इन्फ्लुएंस है मालदीव की पॉलिसी में। लेकिन अगर भारत अपना मुंह मोड़ लेता है, तो भारत के पास जो थोड़ा बहुत मालदीव के ऊपर आज भारत कुछ कह सकता है, कुछ कर सकता है, जिसकी वजह से उसके भी मंत्री भारत में आते हैं और भारत से मदद मांगते हैं, कल ये दरवाजे बंद हो जाएंगे। तो क्या हमें मालदीव को बिल्कुल इग्नोर करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। लेकिन दोस्तों एक और बात मैं कहना चाहता हूं यार, कि अगर भारत को मालदीव की मदद करनी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि 50 मिलियन नहीं, इसको 100 मिलियन 200 मिलियन 300 मिलियन 500 मिलियन कर देना चाहिए। चाइना के लिए मालदीव्स कैन हैव है कि भाई होना चाहिए मालदीव्स, इंडिया के लिए मालदीव्स मस्ट हैव है। आपको पता है मोदी जी गए लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप जाके मोदी जी ने 2-4 फोटोएं डाली और लोगों से बोला कि लक्षद्वीप में आपका स्वागत है, आइए, बड़ी सुंदर जगह है, सुंदर बीचेस हैं, लोग बहुत अच्छे हैं, आइए लक्षद्वीप की सुंदरता का फायदा उठाइए, विजिट करिए लक्षद्वीप। फिर आपको स्टोरी पता है क्या हुआ उसके बाद? मालदीव्स में आग सी लग गई, और मालदीव्स में जो मोहम्मद मुइजू हैं, मोहम्मद मुइजू के पूरा जो प्लेटफॉर्म था चुनाव का दोस्तों, वो इंडिया आउट कैंपेन पे था। ये सारी स्टोरी पुरानी है, मैं सिर्फ आपको एक पुरानी भूमिका बता रहा हूं, जिससे कि आपको पता लग जाए कि अब किसको खुजली हुई है। आज की तारीख में जो नंबर 1 टूरिस्ट्स थे, यानी कि भारतीय सबसे ज्यादा दोस्तों इंडियंस जाते थे और सबसे ज्यादा पैसा भी खर्च करते थे मालदीव्स में, जाहिर सी बात है हमारे बिल्कुल बगल में है। मालदीव्स ने पैसा पकड़ा चीनी मीनी चाऊ चाऊ से, और चीनी मीनी चाऊ चाऊ से पैसा पकड़ने के बाद बोला कि हमें तो भारत की जरूरत ही नहीं है, वी डोंट नीड इंडिया। ये क्या बेकार की बात है, चाइना चाइना सब कुछ करेगा। इन्होंने चाइना के हाथों अपनी किस्मत बेच दी, आज की तारीख में रो रहे हैं। पहले इनको कंस्ट्रक्शन मटेरियल, सब्जी वब्जी, दुनिया भर की चीजों की जरूरत पड़ी थी, वेजिटेबल्स की और कंस्ट्रक्शन मटेरियल की वगैरह, तो इन्होंने गुहार लगाई भारत से कि यार प्लीज भेज दो यार, इधर मर गए, बर्बाद हो गए। फिर उन्होंने भारत से पैसे भी मांगे। अच्छा, ये वाहिद कौम है मालदीव्स की जो भारत को उल्टा सीधा भी बोलती है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री को उल्टा सीधा बोलती है, और हम ही से पैसे मांगती है। मुझे लगता है कहीं पाकिस्तानी इन्फेक्शन तो नहीं हो गया, जैसे पाकिस्तान अमेरिका के लिए करता है ना, अमेरिका को ही गाली देगा, अमेरिका से ही पैसे मांगेगा, अमेरिकन फंडेड ऑर्गेनाइजेशन से पैसे, चाहे IMF हो चाहे वर्ल्ड बैंक हो, सबसे पाकिस्तान पैसे मांगेगा। और सबसे ज्यादा एंटी अमेरिकनिज्म अगर दुनिया में है तो पाकिस्तान में, यानी कि पैसे भी उसी से चाहिए, भीख भी उसी से मांगनी है और गाली भी उसी को देनी है। और मुझे लगता है यही है जो भारत फेस कर रहा है। और सबसे सरप्राइजिंग बात क्या है, ये मालदीव वालों को भी समझ में नहीं आ रही, दुनिया को समझ में नहीं आ रही कि यार भारत की सरकार अगर बैन करती
भारत की सरकार अगर कहती कि नहीं तुम मालदीव्स नहीं जाओगे तो बात समझ में आती यार कि भारत की सरकार ने देखो मना कर दिया। लेकिन यहां पे भारत की सरकार मना नहीं कर रही, यहां पे भारत के लोगों ने मना कर दिया। खुद अचानक एक दिन बात हुई और ये सिर्फ 4-5-6 घंटे में हुआ ये खेल। उनके मंत्रियों ने ट्वीट करा, मोदी जी के लक्षद्वीप जाने के बाद उनके मंत्रियों ने ट्वीट करा, यहां पर माहौल बना और एक एक करके ट्रेवल कंपनीज ने बोला नहीं नो, एयरलाइंस ने बोला नो, सब कुछ ऐसा हो गया। आम पब्लिक ने मना कर दी कि हम जा ही नहीं रहे। भाई साहब लोगों ने अपने फंक्शन, अपनी शादियां जो थी वो कैंसिल कर दी। बोला कि नहीं, कोई शादी का मतलब कोई फंक्शन होगा, बर्थडे होगा, जो भी होगा, लोगों ने अपने यानी कि कहने का ये मतलब है कि फैमिली फंक्शन कैंसिल कर दिया लोगों ने मालदीव्स में। ये खुद ही करा कि हम नहीं जाएंगे मालदीव्स यार, कैंसिल करो, पैसा वापस करो, हम कहीं और कर लेंगे। तो दोस्तों मैं तो आपको ये इनकरेज करूंगा, जो विदेश जाना चाहते हैं छुट्टियों में आप श्रीलंका जाइए। आई वुड इनकरेज एनीबडी हु वांट्स टू गो अब्रॉड फॉर अ हॉलीडे, व्हाई डोंट यू ट्राई श्रीलंका, ट्राई श्रीलंका, इट्स अ लवली प्लेस। मैं खुद जाना चाहता हूं, आई विल नॉट गो टू मालदीव्स टिल द टाइम मालदीव्स अपोलोजाइजेस। मैं मालदीव्स नहीं जाऊंगा जब तक यह भारत के प्रधानमंत्री और भारत के लोगों से माफी ना मांगे, आई विल नॉट गो टू मालदीव्स। लेकिन हां, मुझे मौका मिलेगा मैं श्रीलंका जरूर जाऊंगा। वहां पर रामायण ट्रेल है जो बताते हैं श्रीलंकन्स कि यहां पे प्रभु श्री राम यहां से आए थे और फिर यहां से गए, फिर ऊपर, फिर वहां पे रावण का, कहते हैं कि रावण का महल वहां पे था, कहां पे रावण की पूरी शहर उसने लंका बसा रखी थी, वो पूरा का पूरा वहां पे जो दिखाते हैं रामायण ट्रेल। तो कई लोग जाते हैं, लोगों को बड़ा इंटरेस्ट है इन सब चीजों में, मुझे भी जाहिर सी बात है मैं भी जाऊंगा। इफ आई हैव टू गो देयर आई विल सर्टेनली गो एंड सी दिस रामायण ट्रेल। तो आप लोगों को मैं एनकरेज करूंगा आप जरूर श्रीलंका जाइए, डू विजिट श्रीलंका।